तो चलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम ये ऑयल बेस टैंक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो आप ड्राई बॉडी जो है वो भी छोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको कॉयल को सीधे इसमें डालेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो इसमें 15 लीटर ऑयल पड़ेगा। तो इस तरह हम कॉयल को इसको टैंकी के सेंटर में डाल लेंगे। तो दोस्तों, ये हम एक नंबर जो कॉयल की एक नंबर वायर थी, तो उस पर एक एक्स्ट्रा वायर लगाना भूल गए थे, तो ये हम अभी लगा लेंगे। तो ये कॉयल की और रोटर की नंबर वन पोजीशन जो है उसके साथ आएगी, क्योंकि ये आउटपुट वायर होती है। तो ये आप कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं पिछले जो पार्ट था उसमें भूल गया था ये लगाना। तो दोस्तों, ये चलता रहता है, फिर आपको याद आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये एक लंबी वायर इसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ लेनी है। तो चलिए, अभी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे कि कौन सी वायर कहाँ पे लगी हुई है। जैसे ये न्यूट्रल वाली वायर, उसमें हम एन लिख देंगे, पी वाली पोल पॉइंट वाली उस पर हम पी लिख देंगे, और जो एक नंबर वाली है तो उसमें हम एक लिख देंगे। तो उसके लिए हम रोटर स्विच की प्लेट को हटा लेंगे। तो ये जो आप इसके साथ दूसरी ये दो वायर साफ देख रहे हैं, येलो कलर की जो हमने लगाई हैं, तो ये हमारे दो कंट्रोल्स के लिए वोल्टेज हैं। एक में 18 वोल्ट आएगी और दूसरे में 24 वोल्ट। तो इस तरह से हम रोटर स्विच को जो है फिट कर लेंगे। अच्छे से टाइट कर लेना है इसको। तो अगर आप दूसरा बॉक्स इस्तेमाल करते हो तो उसमें साइड में आप इसको रोटर स्विच को लगा सकते हो। इस तरह से ये हमारा रोटर स्विच लग गया। तो हम ये अभी जो है ये वायर्स को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो चलिए, रोटर स्विच की नॉब को लगा लेंगे। तो अब हम इसकी मीटर की जो असेंबली है, इसमें जो है कंट्रोल्स वगैरह लगेंगे, उसको फिट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी मेन रिले यूनिट आ गया। तो ये डुअल कनेक्ट रिले है, 25 एम्पीयर लोड उठाती है। तो ये हमारी छोटी रिले आ गई ट्रिपिंग के लिए, 6 एम्पीयर की। ये सिंगल कनेक्टर रिले है। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा ये काम कैसे करती है। तो ये देखिए, इसमें डुअल कनेक्ट है, तो ऊपर की तरफ ये नॉर्मली कनेक्टेड और नीचे नॉर्मली ओपन होती है। तो ये इसकी ट्रिपिंग कॉइल भी आ गई। तो इसको लगाने के लिए हम पेन से मार्किंग कर लेंगे। तो फिर इसके लिए हम थोड़ी ये दो स्क्रू लगाने के लिए सुराख बना लेंगे। तो इसको फिट कर लेंगे इसके अंदर इस तरह से। तो ये हमारा 25 एम्पीयर का डुअल कनेक्ट रिले आ गया। तो अगर आप ट्रांसफार्मर ऑटो कट बनाते हो तो उसके लिए आप सिंगल कनेक्टर ले भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा वायर जो है वो हम लगाएंगे, जो हमने पी पॉइंट पे लगाया था। तो उसको हमने जो जो है ऊपर वाले पॉइंट जो कि नॉर्मली कनेक्टेड होता है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके साथ ही ये हमारा सीधा जो हमारी इनपुट स्ट्रिप होगी उस पर चला जाएगा। तो ये हमारी इनपुट वायर आ गई। तो एक बार फिर से बताता हूँ, ये इनपुट वायर जो है सीधे जो हमारा रोटर का पोल पॉइंट है वहाँ पे जाती है। और ये दूसरी आ गई कॉयल की एक नंबर वायर, तो वो हमने इसका जो है सेंटर में पॉइंट होता है जिसे हम नॉर्मली ओपन बोलते हैं, एनओ पॉइंट, उस पर हम लगा लेंगे। तो ये वाली वायर जो है ये रोटर स्विच के एक नंबर पॉइंट से हमने जो लगाई थी, और ये दूसरी जो है कॉयल की न्यूट्रल वायर, तो ये हम रिले के दूसरी साइड के वाले
मेन पॉइंट पे लगा लेंगे। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इस पे हम कॉइल की न्यूट्रल वायर लगा लेंगे, और दूसरी साइड पे जो कॉमन वायर है, कॉमन वाला पॉइंट, तो उससे हम अपने ट्रांसफार्मर को आउटपुट देंगे। तो ये हमारी आउटपुट वायर लगेगी कॉइल के कॉमन वाले पॉइंट पे। तो दोस्तों, अगर आपको वायरिंग का पता नहीं चलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर किसी बात का पता नहीं चलता। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों वायर्स आ गए। तो हम सेंटर में दोनों न्यूट्रल वायर्स के लिए इस तरह का एक वायर लेंगे और उसे सेंटर से कट कर लेंगे और लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड का पॉइंट आ गया, एक साइड ये इनपुट के साथ होगा, दूसरी साइड आउटपुट के साइड लगेगा। तो इसको हम सेंटर वाले पॉइंट में लगा लेंगे नॉर्मली ओपन पे। तो चलिए अब हम इसमें वोल्ट मीटर लगा लेंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें यूज़ करूँगा दोनों वोल्ट मीटर, इसमें एक में मैं इनपुट लगाऊँगा और दूसरे में आउटपुट। आप चाहें तो इसमें एक अम्पेयर मीटर भी लगा सकते हैं। तो अम्पेयर मीटर को लगाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने आउटपुट वायर जो है डायरेक्ट वहाँ पे दे दी है, तो अम्पेयर मीटर अगर आप लगाओगे तो आपने क्या करना है कि अम्पेयर मीटर के थ्रू जो है आउटपुट देनी है, जिससे आपका अम्पेयर मीटर काम करेगा। तो ये हमारा फ्रंट पैनल लग गया है, इसमें हम दो मीटर लगाएंगे, एक पुश बटन और दो इंडिकेटर्स। तो इसमें एक जो वोल्ट मीटर है उसमें इनपुट रखेगी, दूसरे में आउटपुट। तो फिर हम कॉइल को ट्रिप कराने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए हम एक ये है 5408 डायोड लगा के एक ब्रिज बना लेंगे। तो ब्रिज बनाने के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपने ब्रिज कैसे बनाना है। तो ये हमारी दोनों वायर्स जो हैं, तो ब्रिज बनाने के साथ हम जो है ये इसकी जो पॉजिटिव वाली साइड है वो छोटी रिले के ऊपर वाले पॉइंट जो कि नॉर्मली कनेक्टेड होता है उसके साथ लगा लेंगे। तो ये हमारा डीसी जो है आउटपुट वाला पॉइंट आ गया। तो ये मैंने इसमें मार्किंग की हुई थी, जिसको मैंने ये लगाया, गांठ लगाई हुई थी। तो ये 24 वोल्ट है, तो हमने 24 वोल्ट डीसी जो है बनानी है वो अपनी रिले को ट्रिप करवाने के लिए। तो ये हम ब्रिज पे लगाएंगे एसी वोल्टेज। ये हमारी एसी वोल्टेज आ गई 24 वोल्ट, और ये हमारी दूसरी नेगेटिव वायर जो हमारे सीधे जो मेन रिले है उसकी ट्रिपिंग कॉइल की जो वायर्स, ये छोटे पॉइंट्स जो इसमें बने होते हैं, तो इसमें लगानी है। ये हमारी नेगेटिव साइड आ गई, और दूसरी जो पॉजिटिव साइड है वो हम रिले के कॉमन पॉइंट से देंगे, क्योंकि जब ये छोटी रिले कट करेगी तो उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो जो है हमारी रिले काम करना बंद करेगी, तो जिससे हमारा ट्रांसफार्मर कट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है सिर्फ जब ये वायर लगाएगा, क्योंकि ये ट्रिपिंग के लिए हमने डीसी का इस्तेमाल किया है, तो डीसी वोल्टेज में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वायर का ध्यान रखना है। तो ये हमारी पॉजिटिव वायर आ गई इस साइड पे। तो अगर आप दूसरी साइड पे लगाते हो तो ध्यान रखना है कि कौन से बात। उसके बाद हम ये कैपेसिटर यूज़ करेंगे 220 UF 63 वोल्ट। ये हम डीसी को प्योर करने के लिए करेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा रिले जो है ट्रिप नहीं करेगा। तो ये हमारा कैपेसिटर आ गया। तो ये दूसरी जो है ये 18 वोल्ट लाइन है, तो इसको हम ये हाई कट वाला एक सर्किट यूज़ करेंगे। ये एक हाई कट सर्किट है, इस तरह से ये हमारा सर्किट का एसी वायर जो है इसमें लग गई 18 वोल्ट की। तो दूसरी तरफ हम इसकी आउटपुट जो हमारी छोटी रिले को ट्रिप करवाएगी
उसके लिए हम दो वायर्स लगा लेंगे। तो इसके ये वाली वायर्स आप इसमें कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कैपेसिटर जो है सर्किट में लगे हुए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी वायर किसी साइड भी आप लगा सकते हो। तो ये हमने कॉइल के जो है ट्रिपिंग कॉइल में लगा देने हैं, सबसे नीचे वाले जो दो पॉइंट हैं वहाँ पे। इस तरह से ये हमारा सर्किट जो है पूरा हो गया। तो चलिए अब आउटपुट पैनल के लिए हम वायर्स लगा लेंगे। तो ये मैंने जैसे आपको बताया हमारी न्यूट्रल वायर है, तो पहले हम ये न्यूट्रल वाली वायर लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों मीटर के लिए जो है इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन रहेगी। तो ये हमारी दोनों वोल्ट मीटर्स में लगेगी कॉमन वायर, जो कि न्यूट्रल है। तो ये हमारे दोनों वोल्ट्स मीटर पर न्यूट्रल वायर लग गई। तो अभी हम आउटपुट और इनपुट लगाएंगे। तो ये हमारी इनपुट वायर आ गई, तो इसको हम अच्छे से इसके साथ बाइंड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आगे हमारा इनपुट वायर जो हमारे इनपुट वोल्ट मीटर पर जाएगी, ये दिखाएगा कि पीछे से वो जो है कितनी वोल्टेज आ रही है। और दूसरा मीटर अभी हम ये यहाँ से आउटपुट लगाएंगे। ये हमारी आउटपुट वायर आ गई, जो कि हमारे आउटपुट वोल्ट मीटर पर जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट वोल्ट मीटर आ गया। चलिए अब हम इंडिकेटर्स को लगा लेंगे। तो इंडिकेटर्स की जो है एक एक वायर हम लेंगे। तो इसको हम आपने क्या करना है, इनपुट पे लगाना है। ये इनपुट पे लगाना है, और ये जो दूसरी वायर जो दो बची हैं वो हम पुश बटन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो पुश बटन को कनेक्ट करने के लिए हम दो वायर्स लगाएंगे, एक सीधे हम जो हमारी न्यूट्रल इनपुट आ रही है उस पर, और दूसरा कॉइल की जो न्यूट्रल वायर है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये आप चाहे कॉइल की तरफ न्यूट्रल वायर के साथ लगाएं या ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जब पुश बटन करेंगे तो ये सर्किट पूरा करेगी और हमारा ट्रांसफार्मर काम करना शुरू करेगा। क्योंकि जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो हमारे कॉइल जो है उसका सर्किट पूरा होगा और रिले हमारी ट्रिप होगी और ट्रांसफार्मर काम करना शुरू करेगा। तो चलिए अब हम इसकी स्ट्रिप लगा लेते हैं, आउटपुट इनपुट स्ट्रिप। ये अपने वायर्स को बिल्कुल बराबर कर लेना है, सभी वायर्स अच्छे से कनेक्ट कर लेना है, कोई ढीला ना रहे। स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करना है, क्योंकि अगर इसमें स्पार्किंग होगी तो ये जल जाएगा। तो अच्छे से सभी को जो है टाइट करना है। तो ये नट हमने सभी लगा दिए। ये हमारी आगे इनपुट वाली वायर, तो चलिए हमारी स्ट्रिप जो है लगकर पूरी हो गई, ये देखिए। तो अभी हम पेन से इस पे मार्किंग कर लेंगे कि इनपुट कौन सी साइड है और आउटपुट कौन सी साइड, इस तरह से। चलिए अब हम इसको चेक कर लेंगे और इसको
हमने देखना है कि कहाँ पे इसको हमने कट करना है। तो इसके लिए हम ये सर्किट को अभी थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखेंगे, क्योंकि इसे हमें इसका कट जो है इसको सेट करना है। तो ये देखिए हमारी इनपुट आ गई। तो जैसे ही हमने ये इसको दबाएंगे तो हमारी कॉइल जो है ट्रिप हो गई है। तो सर्किट को पहले एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो अभी हमने क्या करना है, ये देखिए हमारी 250 वोल्ट जो है वहाँ पे रख के हमने 240 पे करेंगे। वहाँ पे आपने क्या करना है कि ये देखिए इसका जो प्री सेट है इसको घुमा के आपने यहाँ पे ये कट होगा वहाँ पे छोड़ देना है इस तरह। ये देखिए कट, अभी आप करेंगे तो ये देखिए वापस कट हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो अभी इसको आपने ऑन करने के लिए रोटर को पीछे की तरफ घुमाओगे तो तभी ये ऑन होगा। तो अभी हमने इसका कट जो है 240 वोल्ट पे सेट कर दिया है। तो जैसे ही ये कट होगा तो ये वोल्टेज को बाईपास कर देगा और हमारा ट्रांसफार्मर जो है बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, चलिए एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए जैसे ही हमारी वोल्टेज 240 पर पहुंची तो इसने लाइन को जो है ऑटो लाइन कर दिया। और ये देखिए इनपुट पे आ रही है 150 वोल्टेज और आउटपुट पे 220 वोल्टेज। तो चलिए अब हम इसको सर्किट को अच्छी तरह यहाँ पे इस तरह से ये नट लगा के फिट कर लेंगे। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है बनके रेडी हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के और कई वीडियोस अपलोड करूँगा जो आपके काम आ सकते हैं। तो किसी भी सवाल के लिए आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे अगर आपको किसी बात का पता नहीं चला है तो आप देख लीजिए। तो ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में डाला हुआ है, एक पहले वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया और ये दूसरा पार्ट। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।